The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में और आज हम आपको बताएंगे कि क्या आपके शरीर में इसके डेफिशिएंसी से कोई सिम्टम्स होते हैं या नहीं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं फटाफट तुरंत कि ओमेगा 3 को क्यों ज़रूरी माना जाता है। देखिए, बेसिकली ये फैटी एसिड्स हैं, बेसिकली है तो फैट चर्बी यानी कि फैट। तो फैट में देखिए, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको हेल्दी माना जाता है, पूफाज। इसमें टू मेजर क्लासेस होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, मेजर ओमेगा 3 और ओमेगा 6, राइट। और इसमें क्या है, क्योंकि इनके जो सैचुरेशन है, एक तो सैचुरेटेड फैट से अलग हो गया, मोनोसैचुरेटेड फैट से अलग हो गया, बिकॉज इसमें अलग क्वालिटीज हैं, इसकी हर एक, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है, इसका यूसेज अलग है। ओमेगा 3 के अंदर जो है उसमें चार पांच प्रकार के आते हैं। एक तो ALA आता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो कि आपके प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 जैसे कि सीड्स हैं, नट्स हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और एक होता है EPA, जैसे इकोसा पेंटोनोइक एसिड, और DSA, डी डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। और एक्चुअली क्या है, इसमें EPA और DHA आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं, देखे जाते हैं, और ALA एक्चुअली EPA और DHA में कन्वर्ट होता है, लेकिन बहुत माइनर अमाउंट में, यानी कि 2-5% बस। सो इसीलिए प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, लेकिन एनिमल बेस्ड यानी फिश बेस्ड ओमेगा 3 बहुत यूज़फुल होता है। सो दैट इज़ दी बेसिक हियर कि कहाँ से ओमेगा 3 मिलता है। और ओमेगा 3 जो वेजिटेरियंस हैं उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है, वो खाते पीते हैं नहीं, यानी कि फ़िश, और फिश नहीं खाते हैं तो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ALA जो प्रेजेंट है फ्लैक्सीड में, सोयाबीन में, कैनोला ऑयल्स में, और DPA और EHA फिश ऑयल, क्रिल ऑयल्स, इनमें प्रेजेंट है। माइक्रो एल्गे में भी कुछ प्रेजेंट है जो वेजिटेरियन हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, क्योंकि ये फिश में क्यों आते हैं, फिश फाइटोप्लैंकटन यानी वो माइक्रो एल्गे खाते हैं और उनके शरीर में ओमेगा 3 आ जाते हैं। तो आप डायरेक्ट माइक्रो एल्गे से निकाल के भी खा सकते हो, उसके सप्लीमेंट्स आते हैं जो वेजिटेरियन सप्लीमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आप खा लेते हो अपने अंदर जाके हाइड्रोलाइज होके वो धीरे अंदर जाके EPA और DHA बनते हैं, और EPA DHA में बहुत सारे ऑर्गन्स में जाके ऑक्सीडाइज होके मेटाबोलाइज होते हैं और वहाँ जाके यूज होते हैं, राइट। यहाँ पे आपके हार्ट के फंक्शन, लंग के फंक्शन, इम्यूनिटी फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन, आपके लिटरली हर एक फंक्शन के लिए ये ओमेगा 3s बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। याद रखिए, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों चाहिए। ओमेगा 3 इज एंटी इन्फ्लामेटरी, ओमेगा 3 इज प्रो इन्फ्लामेटरी। सो बॉडी के बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि ये दोनों एक पर्टिकुलर रेशियो में हो। ज़्यादातर इनका रेशियो तो देखा जाए 1:2 या 1:4 तक रख सकते हैं, यानी 1 ओमेगा 3 है तो 4 या 2 ओमेगा 6 हो, दैट इज द थिंग। ज़्यादातर केसेस में ये एक्सेप्टेबल होता है। सो आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर डेफिशिएंसी को नहीं माना जाता, यहाँ पर ये माना जाता है अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 कम है और ओमेगा 6 ज़्यादा हो गया, सो दैट विल द रेशियो गेट्स डिस्टॉर्टेड। सो दैट्स वाई आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लामेटरी के इन्फ्लामेटरी साइंस आएंगे। कभी कभी कहीं पे भी छोटी सी चोट लगेगी तो उसका दर्द बढ़ जाएगा, हीलिंग पावर स्लो हो जाएगा, क्रोनिक स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्रोनिक स्ट्रेस के कुछ पैरामीटर दिखने लग सकते हैं। तो ये आपके ह्यूमन स्ट्रेसेस में ओवरऑल आपके, सोचिए अगर आपकी हीलिंग पावर, आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी फंक्शन, आपकी ब्रीदिंग, आपकी एक्सरसाइज, आपकी मसल ग्रोथ, मसल डेवलपमेंट, हर एक चीज़ में अगर इफेक्ट आने लग जाएगा तो ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी जो को परफॉर्मेंस है, पूरे का पूरा सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, समथिंग लाइक, और स्लो भी होगा और अफेक्ट भी होगा। इसीलिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का अच्छा खासा रिकमेंडेड DA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, जो आपको लेना चाहिए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो तीनों चीज़ों का अलग अलग है। अगर हम ALAs का ओमेगा 3 का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस मानेंगे, ओमेगा 3 का तो वो क्या है, एडिक्वेट इंटेक किसको बोलेंगे, एडिक्वेट इंटेक ऑफ ओमेगा 3, दैट इज 6 महीने से छोटे बच्चे को आपको डेली में 0.5 ग्राम्स ओमेगा 3 जाने चाहिए।
ये ओमेगा थ्री ऑयल्स हैं ये 0.5 grams, और उससे ऊपर भी यानी एक साल तक 0.5 grams तक जाने चाहिए, 3 साल की उम्र तक फिर थोड़ा बढ़ जाता है 0.7 grams, 8 साल तक 0.9 grams, 13 साल तक 1 gram या 1.2 grams, ये मेल्स में 1.2 मेल में थोड़ा बढ़ जाता है, और 18 साल की उम्र तक 1.6 grams मेल में और फीमेल में 1.1, और फिर उसके बाद यानी एडल्ट को 18 से 19 से 50 साल की उम्र तक 1.6 grams आपको चाहिए वो फिश ऑयल्स या ओमेगा 3, और फीमेल्स को चाहिए 1.1 ग्राम। सो ये होता है डोसेज, और ये सब के लिए एडल्ट तक उम्र तक 50 से ऊपर भी। सो दीज आर देयर, ये टोटल ओमेगा 3 का डोज है, यानी आपका ओमेगा 3 ALA EPA DHA सब मिला के। सो इसमें कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके EPA और DHA हमें मिले। सो इसलिए जो ऑयल यूज़ करें वो या तो आपका कैनोला ऑयल हो ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप फ्लेक्सीड खाएं, सोयाबीन यूज़ करें, और सोयाबीन का ऑयल थोड़ा सा हैवी होता है याद रखिएगा। चिया सीड्स, वॉलनट्स ऑल्सो कंटेन, लेकिन ये सारी चीज़ों में ALA होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं हफ्ते में एक या दो बार दो सर्विंग आप फ़िश की खा लें तो आपको इसकी कमी नहीं आएगी। इसमें सिर्फ फैटी फिशेस जो होती हैं बास है, टिपिया, कॉड, टिलापिया, सालमन, सार्डीन्स, मकरेल, टूना, ये हाई अमाउंट वाली हैं, सॉरी सालमन, सार्डीन्स, मकरेल, टूना, हेयरिंग, ये हाई फैटी फिश है, इसमें ज़्यादा है, और जो दूसरी है जो टिलापिया, कॉड और बासा, इसमें कम है जाए। सो ये आपको देखना है, पर फिश अल्टीमेटली कम है लेकिन फिर भी वेज से बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ देयर, और ये हमें बताता है कि जो जैसे बॉडी में डायबिटीज़ होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, आर्थराइटिस होता है, इन सब में ये ओमेगा 3 का सप्लीमेंट बहुत काम करता है। सो हम ये नहीं बोलेंगे कि ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ हो रहा है, लेकिन ये बोलेंगे कि ओमेगा 3 होने से डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा मिलता है। ये नहीं बोलेंगे कि ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से आर्थराइटिस या किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है, लेकिन ओमेगा 3 होने से इन सारी बीमारियों में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो एक कोई भी आपको इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या किसी प्रकार की कोई बीमारी है, आपको ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ज़रूर 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 लेना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, फिश ऑयल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। सो दैट इज़ देयर। अगर हम इसके आगे बात करें तो आप बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं कि किस टाइप के फूड में कितना ओमेगा 3 है, अपना रिसर्च करके। उसके लिए आपको गूगल पे थोड़ा रिसर्च करना है और आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के फूड में इतना रिसर्च है। और हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो प्रोटीन, ओमेगा 3s, फिश, ये बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 डेफिशिएंसी में अगर क्लियरली बहुत ज़्यादा असेंशियल फैटी एसिड्स यानी दोनों ओमेगा 3 ओमेगा 6 डेफिशिएंसी हो जाए तो स्किन ख़राब होती है। स्किन में रफनेस, स्केलीनेस, डर्मेटाइटिस, इरिटेशन हो सकती है, और इस चीज़ के वजह से आपके विजुअल फंक्शंस, आँखों के न्यूरल फंक्शन, इम्यून फंक्शंस भी इम्पेयर हो सकते हैं। तो इसलिए ओमेगा 3 बिल्कुल ज़रूरी है आपके डाइट में, और उससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके हाई डोज में भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चार ग्राम तक भी आप बड़ी आसानी से ले सकते हो एक फिश ऑयल को या किसी ओमेगा 3 सप्लीमेंट को, राइट। सो दैट इज़ ऑल। ओमेगा 3 और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूर ज़रूर लीजिए। अगर नहीं ले रहे हो तो ऐड करें, खासकर अगर आपको हार्ट की बीमारी है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, स्मोकिंग करते हैं। तो रिसर्च में देखा गया है कि काफ़ी हद तक काफ़ी परसेंटेज मॉर्टेलिटी, 30% मॉर्टेलिटी रिडक्शन, मरने के चांसेस आपके 30% कम हो जाते हैं अगर आप रेगुलर ओमेगा 3 लेते हैं, तो मजाक नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स, हार्ट की बीमारी वाले पेशेंट, डायबिटीज़ वाले पेशेंट, स्मोकिंग वाले पेशेंट्स, आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स बहुत अच्छे तरह से ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लें। और याद रखिए एक एवरेज मात्रा में ओमेगा 3 जो आपको लेना है वो EPA और DHA की मात्रा देखनी है उसमें। ओमेगा 3 के पैसे दे के सप्लीमेंट ले रहे हो तो EPA और DHA, वेजिटेरियन वाले भी उसमें EPA और DHA देखें। होता क्या है, वो कन्वर्ट कर लेते हैं, वो अलगे से ले लेंगे या फिर एक्सीड से ले लेंगे ओमेगा 3, उससे बनाएंगे, लेकिन EPA और DHA की मात्रा होनी चाहिए। अगर एक EPA और DHA मात्र 150-200-250 है तो वो लो डोज़ है, 150-200-250 EPA DHA तो लो डोज़ है,
500 600 है तो अच्छा डोज है, 700 800 है तो हाई डोज है। तो आपको लो डोज या मिनिमम लो डोज तो लेना ही है, वरना अगर ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए ले रहे हो ऐसी चीज़ के तो हाई डोज लेना पड़ेगा, मॉडरेटली हाई भी ले सकते हो। सो दैट इज़ देयर, आई होप आपको समझ आई ओमेगा 3 का किस्सा कहानी और इसकी डेफिशिएंसी और इसकी ज़रूरत। तो थैंक यू सो मच, डू वॉच अदर वीडियोज़ ऑफ अदर विटामिंस ऑल्सो ऑन माई चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देख के जाएँ और ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।